दोस्तों, आखिरकार रक्षा मंत्रालय और कैबिनेट की सिक्योरिटी की ओर से एक ऐसे हथियार को बनाने की मंजूरी दी गई है जिसका इंतजार भारतीय नौसेना को कई दशकों से था। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आज की तारीख में चाइनीज नेवी विश्व की सबसे बड़ी नौसेना मानी जाती है। अमेरिकी नौसेना से भी ज्यादा वॉरशिप, नेवल हेलीकॉप्टर और सबमरीन आज की तारीख में चीन के पास मौजूद है। और हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने तो पहले ही ये कह दिया है कि जिस नौसेना के पास ज्यादा परमाणु सबमरीन मौजूद होंगी, वही देश आगे जाकर समुद्र पर राज करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान समय में चीनी नौसेना के पास कुल 74 सबमरीन हैं, जिसमें लगभग 10 ऐसी सबमरीन हैं जो दूसरे देशों को पल भर में राख के ढेर में तब्दील कर दे। वो सबमरीन ऐसी परमाणु मिसाइल फायर कर सकती हैं कि हमारी नौसेना भी इस बात को भलीभांति जान चुकी है। इसीलिए तो नेवी ने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल के बजाय सरकार से 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन की मांग की थी, ताकि हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ को कुछ हद तक रोका जा सके। अब नेवी की इसी मांग को लेकर पूरा करते हुए सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। दरअसल दोस्तों, इंडिया टुडे की तरफ से एक बेहतरीन खबर सुनने को मिली कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति यानी CCS की ओर से नेवी के प्रोजेक्ट 75 अल्फा को परमिशन दे दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 75 अल्फा वही प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत नेवी को 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन बनाकर दी जाएगी। प्रोजेक्ट 75 अल्फा को लेकर सरकार की तरफ से पूरे 96,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि ये सबमरीन दो फेज में बनाई जाएंगी, मतलब पहले 3 सबमरीन के ट्रायल खत्म होने के बाद ही मंत्रालय की तरफ से बाकी बची 3 सबमरीन के लिए क्लियरेंस दिया जाएगा। बताया जाता है कि सरकार की तरफ से ये शर्त भी रखी गई है कि इन परमाणु पनडुब्बियों को बनाने में जितना भी सामान लगेगा वो सभी स्वदेशी तकनीक से बनाया जाए, जैसे कि अरिहंत क्लास की सबमरीन बनाई गई है। साल 2024 से इनका कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया जाएगा और अगर शेड्यूल के मुताबिक सब कुछ सही रहा तो प्रोजेक्ट 75 अल्फा की पहली न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन 2030 तक नेवी में शामिल हो सकती है। इन सबमरीन को बनाने का एक फायदा ये भी है कि नेवी का स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर ग्रुप मजबूत हो जाएगा। साथ ही हम 10,000 करोड़ रुपए की लागत से जो रूसी सबमरीन लीज पर लेते हैं, वो पैसे भी रूस में जाने से बचेंगे। और सबसे खास बात, इन परमाणु सबमरीन में हथियारों की कोई कमी नहीं होगी। इसमें हैवीवेट टॉरपीडो वरुणास्त्र, सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भ है और 1,500 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस Mk2 मिसाइल भी लगाई जाने वाली है। और जिस सबमरीन में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल लगेगी, उस जगह तो चीनी सबमरीन रात में भी घुसपैठ करने से पहले 2 बार जरूर सोचेगी। दोस्तों, अब कई लोगों का ये भी मानना है कि भारत हद से ज्यादा पैसे अपनी सेना पर खर्च करता जा रहा है, वो भी कोरोना काल में। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब यही है कि अगर हमें दुनिया में अपनी हुकूमत चलानी है तो थोड़े पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे, जैसा कि हम पॉलिटिक्स में हमेशा देखते आए हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नेवी के पास न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन होनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चीन को हराना है तो भारत को कितने न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन की जरूरत पड़ेगी, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ रूसी वायुसेना ने एक बहुत बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया है। दोस्तों, ये एयर स्ट्राइक इतनी ज्यादा घातक इसलिए भी है क्योंकि इस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं 200 लोग। दोस्तों, आप सभी इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एयर स्ट्राइक कितनी बड़ी और घातक थी। और इस एयर स्ट्राइक की खबर आने के बाद नाटो ग्रुप के सदस्य देश अब टेंशन में आ चुके हैं, क्योंकि रूस ने इस हमले के जरिए बिल्कुल साफ संदेश इन देशों तक भिजवा दिया है। वो भी दोस्तों आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि रूस ने आखिरकार ये हमला क्यों किया है और कहां किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं रूस की स्थिति, और ये है यूक्रेन और उसकी सीमा, जहां पर विवाद चल रहा है। लेकिन रूस ने हमला यहां नहीं किया, रूस ने हमला किया है सीरिया पर। दरअसल दोस्तों, सीरिया के पास एक बहुत फेमस शहर है जिसका नाम आपने भी जरूर सुना होगा, जिसका नाम है पलमायरा। दरअसल पलमायरा में फिर से ISIS के जो आतंकी थे, उन्होंने अपने एक सैन्य बेस बना लिया था, जिसका मकसद ये था कि सीरिया में आने वाले समय के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, तो उस चुनाव के समय ये लोग एक बहुत बड़ा हमला करने की फिराक में थे। तो ऐसे में उन्हें इस सैन्य बेस पर खुफिया सूचना मिली थी कि सारे आतंकी यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, और इसी मौके का फायदा रूस ने पूरे तरीके से उठाया और एक जबरदस्त एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। और बताया जा रहा है कि इस एयर स्ट्राइक में 200 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इसके अलावा तकरीबन भारी मशीन गनों से लैस 24 पिकअप ट्रक भी थे।
उन्हें भी रशिया ने इस एयर स्ट्राइक में खत्म कर दिया है। इसके अलावा 500 किलोग्राम बारूद और विस्फोटक भी वहां पर मौजूद थे, जिसके अलावा बम बनाने की बहुत सारी सामग्री भी थी, उन सभी को भी नष्ट कर दिया गया है। अब दोस्तों सवाल यहां ये उठता है कि जो विशेषज्ञ हैं, जो पश्चिमी देशों के एनालिस्ट हैं, वो इसे इतना बड़ा क्यों मान रहे हैं। दरअसल दोस्तों इस एयर स्ट्राइक को बड़ा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है उसमें रूस थोड़ा कमजोर पड़ रहा था। ऐसे में रशिया ने पश्चिमी देशों को अपनी पावर दिखाई है कि उसकी वायुसेना के पास कितनी ताकत है। रूस ने दिखा दिया कि अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एक तरीके से इसे रशिया का माइंड गेम भी बताया जा रहा है, जिससे कि वो पश्चिमी देशों पर दबाव बना सके, और काफी हद तक रूस की ये चाल कामयाब भी रही। क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन की सीमा पर काफी ज्यादा रूसी विमानों की गश्त दिखाई गई थी। लड़ाकू विमान आते थे, फॉर्मेशन में यूक्रेन की सीमा के आसपास उड़ान भरते थे, और उसी के बीच एक बड़ी एयर स्ट्राइक का होना कोई इत्तेफाक नहीं लगता। ये रशिया का सीधा सीधा माइंड गेम है जो पश्चिमी देशों के साथ वो अब खेलने लगा है, और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। कारण ये है कि इसके बदले में पश्चिमी देश, खासकर कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, ये भी अपने लड़ाकू विमान रूसी सीमा के करीब भेज सकते हैं। खास करके अमेरिका अपने B-1 बॉम्बर को, जो फिनलैंड में तैनात हैं, उन्हें भेज सकता है, जो कि रूसी सीमा के आसपास उड़ान भरेंगे। ऐसे में अगर कोई गलती हो गई और छोटी मोटी दुर्घटना भी हो जाती है तो ये एक बड़े युद्ध का रूप ले सकती है, एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सकती है। हालांकि दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है? क्या रूस की इस हरकत से अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का ख्याल निकाल देंगे? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।